बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कटोरी चाट बनाना। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही इजी है, सिर्फ कटोरियाँ बनानी मुश्किल है, तो आप वो पहले से बना के रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें फ्रिज में नहीं रखना बना के, इन्हें किचन में ही रहने देना है, किसी थैली में भर के रख लें और जब चाहे आप इस्तेमाल करें, 4-5 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप इसे ट्राई करें तो इसकी एक तस्वीर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं वहाँ आपके नाम के साथ इसे पोस्ट कर दूँगी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। कटोरी चाट के लिए सबसे पहले हमें कटोरियाँ बनानी होंगी मैदे से, तो उसका इन्ग्रीडियंट्स आपको पहले दिखा रही हूँ। ये 2 कप मैदा लिया है मैंने, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून बिल्कुल मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है। ये आप इसकी जगह अजवाइन भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून, मुझे ज़ीरा ज़्यादा पसंद है। तो ये इसके अंदर डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके और आटे को भुरभुरा कर लेते हैं। आटे को मैंने मिक्स करके अच्छे तरीके से भुरभुरा कर लिया। अब देखिए, इसके देखने का तरीका ये है कि जब हम इसे हाथ में इस तरह लेंगे तो ये ढेर की सूरत बन जाएगा। ये देखिए, बस इस तरीके से हमने इसको घी मिलाना है, यूं मसल मसल के हमने घी मिलाना है इसके अंदर। तो ये मैंने काम कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक सख्त डो गूंदेंगे। जब भी हमें कोई चाट के लिए पापड़ी टाइप की चीज़ बनानी होती है तो उसका सख्त डो गूंदता है। तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आटे को मैंने अच्छे तरीके से समेट लिया है और मैंने 2 कप मैदे के लिए 1 कप पानी लिया था। आप जो है पूरे 1 कप पानी के अंदर आराम से आटे को गूंद सकते हैं। और चूंकि ये बहुत सख्त आटा है तो यूं मुक्की लगाना तो इस अंदर बहुत मुश्किल होगा। हम इसे इस तरीके से हम इसे मसल मसल के गूंदेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट इसे अच्छे तरीके से हम गूंदते जाएंगे और उसके बाद जब ये ज़रा चिकना हो जाएगा तो हम इसे कवर करके और 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आटे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से 5 मिनट मसल मसल के गूंदा है और आप देखिए बिल्कुल सख्त आटा गूंदा हुआ है। प्याले के अंदर जो थोड़ा सा घी बचा हुआ था उसे हाथ पे लगा के मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं इसका कवर लगा के 1/2 घंटे के लिए इसे रख दूंगी। इस तरह इसके ऊपर क्रस्ट नहीं जमेगा। आपके पास भी कोई एयर टाइट बॉक्स हो तो उसी के अंदर आटा रखा कीजिए। काउंटर के ऊपर थोड़ा सा खुश्का निकाल के और इसको हम एक दफा हल्का सा हाथ लगाएंगे। और अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। ऑयल को मैंने धीमी आंच के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। और कढ़ाई में आपने अच्छा ऑयल भरना है क्योंकि हमने कटोरी को पूरा भिगोना है। एक पेड़ा ले लूंगी मैं, इसमें ज्यादा खुश्की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक इस तरीके की एक कटोरी चाहिए होगी हमें, छोटी या इससे छोटी थोड़ी हो तो ज्यादा बेहतर है। मेरे पास यही है तो मैं इसी से बना रही हूँ। हल्का हल्का हम इसे अब बेलना शुरू करेंगे। और इसके शेप का कोई ऐसा खास मसला नहीं है क्योंकि हमने किनारे इसके काट देने। अब हम कटोरी को इससे कवर करके देखेंगे। अभी थोड़ा सा छोटा है, हमें और थोड़ा सा इसको बढ़ाना होगा। आप पतला बेलिएगा, लेकिन इतना पतला नहीं बेलिएगा कि जब आप उसके अंदर सारी चीजें फिलिंग करें तो वो टूट जाए। मैंने अच्छी बड़ी बेल ली है। अब हम इसे कटोरी के ऊपर लगा के देखते हैं। मैं किनारों के ऊपर इस तरीके से इसको लगा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा होगी
वो मैं थोड़ी खींच के बाहर निकाल दूंगी। ये देखिए जो एक्स्ट्रा है हमने उसे बाहर खींचा, तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा बाहर आ गई है, लेकिन कटोरी के ऊपर जो है ये पूरी अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब हम छुरी से इसे काट देंगे। देखिए हमने कटोरी से सारी काट दी है और बहुत ही अच्छी सी ये कटोरी के ऊपर हमने चढ़ा दिए। अब हम ऑयल को मीडियम गरम करेंगे और उसके बाद इसको उसके अंदर फ्राई करेंगे। अब ऑयल गरम है या नहीं इसके लिए हम एक बिल्कुल छोटा सा पीस उठाएंगे और ऑयल में डालेंगे। अब देखिए ये नीचे जाके इसके अंदर बबल बनने स्टार्ट हो गए और ये खुद बहुत फ्लोट होके ऊपर आएगा। बस ये ऑयल जो है ये हमारी फ्राई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये कटोरी जो है ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जैसे ही ये अच्छी गोल्डन कलर की होगी ये इस कटोरी को छोड़ देगी। अब देखिए कटोरी में फ्राई होना स्टार्ट कर दिया है, तो ये प्याला जो है ये बिल्कुल अलहदा हो गया इससे। इसको मैं अलग कर दूंगी और अब मैं सब तरफ से इस कटोरी को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूंगी। जितनी देर में ये फ्राई होगी थोड़ा प्याला जो है हमारा वो और अच्छा ठंडा हो जाएगा, तो उसके ऊपर मैं एक और कटोरी बनाने की तैयारी कर लूंगी। तो देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रही है, मैंने एक और डाल दी है साइड में और ये मैंने बिल्कुल अनटाइडी एजेस वाली डाली है, थोड़ी सी अच्छी लगती है ये बनी हुई टोकरी। तो ये जो है एक ये बनाई है, ये डीप है और एक ये ब्रॉड है थोड़ी सी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रही है, कम अज कम 15 मिनट लगेंगे एक दफा की फ्राई होने में। तो आप इन्हें पहले से बना के रख सकते हैं, सुबह में इनको तैयार कर लें और फिर इनको रख दें और फिर उसके बाद जब चाट तैयार कर लें तो वो इसके अंदर आप सर्व कर दें। तो देखिए हमारी कटोरियां दोनों की दोनों 20 मिनट में फ्राई हुई हैं सब तरफ से अच्छी सी। ये ज्यादा नीट फ्राई हुई है, ये थोड़ी सी इसमें एक आध जगह क्रैक आया है क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई है बनाते हुए। तो एक वक्त में सिर्फ एक ही फ्राई कीजिएगा, बहुत टाइम टेकिंग ये काम है, तो आप एक दिन पहले लाजमी करके रख लें अगर आपको किसी मेहमान के आगे सर्व करनी है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये फ्राई हुई है। तो अब मैं इसे निकाल के और एक साइड पे रख रही हूँ प्लेट के अंदर और फिर हम इसी तरीके से बाकी की भी फ्राई कर लेंगे। कटोरी चाट की तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसके साथ सर्व करनी है। कटोरियाँ हैं, इसके अलावा हरा धनिया है चॉप किया हुआ, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें, ये चारों चीज़ें ऊपर से आएंगी बारीक चॉप की हुई हैं। इसके अलावा ये आलू और छोटे वाले चने हैं, काबली चने, इनको मैंने फुल बॉइल करके छोटा छोटा आलूओं को काट के इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें और चाट मसाला हसबे जायका मिलाया है। ये मेरी खट्टी हरी चटनी है, ये मैं आपको बनानी सिखा चुकी हूँ। आप कोरिएंडर एंड टमरिंड चटनी देख लीजिएगा लिंक में, मैं कार्ड में भी डाल दूंगी। उसके अलावा ये इमली सोंठ की चटनी है, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक भी आपको कार्ड में मिल जाएगा। ये मेरी होममेड बूंदियाँ हैं, इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी। और उसके अलावा ये मीठा दही है, तो अब हम इसे किस तरीके से असेंबल करेंगे। तो हमारे तमाम लवाजमात के साथ कटोरी चाट बिल्कुल रेडी है। आप देखिए दिखने में ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थम्स अप दीजिए।
इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे चेक कर लीजिएगा। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।